आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस या स्लाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। इसमें मैंने फोटो एल्बम क्रिएट की हुई है विद म्यूजिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम स्लाइड शो देख लेते हैं कि ये पावर पॉइंट में कैसी नज़र आ रही है और वीडियो में कन्वर्ट होने के बाद मेरी स्लाइड्स किस तरह से नज़र आएंगी। तो मैं यहाँ से इसको स्लाइड शो के ऊपर क्लिक कर रही हूँ एंड देन मैं स्लाइड शो इसका दिखा रही हूँ। इस फोटो एल्बम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने क्लिक करना है सेव एज के ऊपर। यहां से आपने ब्राउज कर लेनी है लोकेशन जहां पे आपने इस वीडियो को स्टोर करना है। तो मैंने इसको जो सेव करना है वो करना है डेस्कटॉप पे। देन फाइल का नेम मैं चेंज नहीं कर रही, सेव एज टाइप में आप देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। आपने इसके डाउनलोड एरो पे आना है, यहाँ से आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देन आप इसको पावर पॉइंट शो में भी कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट शो से ही होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स वगैरह हैं उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं कर सकता। देन एमपेग फॉर वीडियो है एंड देन वीडियो मीडिया वीडियो है, ये आपके पास टू ऑप्शन है वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, आप इन टू ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैं एमपेग फॉर वीडियो को सिलेक्ट कर रही हूँ एंड देन मैं सेव के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो सेव के ऊपर क्लिक करते साथ यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि क्रिएटिंग वीडियो का जो है मेरा आ रहा है, मीन्स के प्रोसेसिंग हो रही है कि वीडियो आपकी कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें मेरा कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मेरी जो स्लाइड्स थी इसमें मैंने ट्रांजिशंस भी अप्लाई की हुई थी, मैंने इसमें एनिमेशंस अप्लाई की हुई थी, पिक्चर्स थी विद कैप्शंस थी इसमें, और मैंने इसमें म्यूजिक भी अप्लाई किया हुआ था। तो इसलिए जो मेरी फाइल थी वो कुछ हैवी थी, इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में। तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ, डेस्कटॉप पे जो है मेरा आइकन आ चुका है, बट अभी इसको मैं ओपन नहीं कर सकती क्योंकि एरर आएगा, क्योंकि अभी इसकी प्रोसेसिंग जो है वो कम्प्लीट नहीं हुई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कांट प्ले किया आपके पास एरर आएगा क्योंकि प्रोसेसिंग अभी चल रही है इसकी। तो आपको ज़रूरत पड़ती क्यों है पावर पॉइंट से आप वीडियो में करें, क्योंकि जो वीडियो है वो आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं और अगला बंदा देख भी सकता है। बट अगर उसके पास पावर पॉइंट नहीं भी है आपके पास, तो आप वीडियोज लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। पावर पॉइंट से ही होता है कि आपके पास पावर पॉइंट होगा तभी आप प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स देख सकते हैं, बट जब आप इसको वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके पास पावर पॉइंट ना भी हो तो आप वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं और ख़ुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मेरी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तभी जो है मेरी होल वीडियो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी जो स्लाइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी वीडियो में। तो अब वेट करते हैं कि पहले प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो। अगर आपकी जो फाइल है उसका साइज बहुत छोटा सा है तो वो कुछ सेकंड्स के अंदर जो है आपकी वीडियो जो आपकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको डेस्कटॉप पे जाके देख लेते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से कन्वर्ट हुई है। आपने खुद भी नोटिस कर लिया होगा कि जो मेरी वीडियो है वो एज इट इज पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की तरह ही है। तो इस आज के इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह से आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स या फोटो एल्बम को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वीडियो में।